पढ़ाते पढ़ाते ब्लॉगर कैसे बने? तो ये बात है 2019 की। 2019 में पहले गांव में पढ़ाया था, गांव से पढ़ाते पढ़ाते ना दोस्तों के, मतलब एक फ्रेंड था हमारा दिल्ली में, उसने बोला कि कोचिंग खोलते हैं यहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि गांव में फीस मिलती 100-150 रुपए, ट्यूशन पढ़ाएंगे स्कूल में पढ़ाएंगे तो 3-4 हज़ार रुपए मिलते थे, तो इससे गुजारा होगा नहीं, लाइफ चलेगी नहीं। तो हम दोनों दोस्तों ने मिलकर कोचिंग स्टार्ट कर दी, बैनर वगैरह पोस्टर वगैरह छपवा के और चालू कर दिया। हुआ ऐसा कि दो महीने तक तो इतना रेंट रेंट निकला था, उसके बाद थोड़ा और बच्चे बढ़े तो हमारा खर्चा पानी निकलने लग गया। मार्च आते आते 2020 में क्या लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया, लॉकडाउन लगा, एक साथ जीरो हो गया। अब भी फिर गांव चले गए, फिर लौट के गांव पहुंचे। मतलब बाहर गांव से बाहर इसलिए आते थे कि कुछ करेंगे, कुछ तरक्की करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे। बीच में यूट्यूब का भी देखा था, जब बच्चों को पढ़ाते थे तो पार्ट टाइम सोचा कि यूट्यूब पे वीडियो बना के पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ा के बच्चों को डालेंगे, जो हमको आती है ट्रिकें आती है मैथ की या कुछ जो हमको अच्छा लगता है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करके डालेंगे। तो लेकिन वो नहीं हो पाया कंटिन्यू। उसके बाद जब गांव पहुंच गए तो लॉकडाउन में गांव में कुछ नहीं काम, एक आइडिया आया कि हमारे पास लैपटॉप था कॉलेज के टाइम का, तो लैपटॉप का क्यों ना सही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब तक लैपटॉप कॉलेज में यूज किया था 6 महीने साल भर, वीडियो देख के HTML CSS वगैरह सीख ली, वेब पेज बनाना सीख लिया, तो टेक्निकल नॉलेज तो ले रहा था मैं यूट्यूब से, लेकिन पैसा नहीं बना था ऑनलाइन कहीं से। तो जब इंटरनेट पे घर बैठे दुकान खोली हमने फिर साइबर कैफे की, मतलब वही ऑनलाइन फॉर्म भरना, पैसे निकालना आधार कार्ड से, चल रहा था दुकान, मतलब ये कि कभी 200 कभी 400 कभी 300 कभी 500 भी बंद था, डेली आता रहता, इतना दुकानदारी हो जाती थी, कभी फॉर्म भर खर्चा पानी चल रहा था। मतलब इसी दौरान इंटरनेट पे यूट्यूब पे गूगल पे, क्योंकि वेब पेज का मतलब वेबसाइट के बारे में नॉलेज था कि वेब पेज बनते कोडिंग करके, ये नहीं पता था कि डायरेक्ट बिना कोडिंग के भी वेबसाइट बन जाती है, सिंपल सी थीम, हाँ वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म पे और भी प्लेटफॉर्म है काफी सारे, तो उन पे जाके बन जाती है। वीडियो देखे तो डोमेन के बारे में मालूम पड़ा कि एक डोमेन होता है वो आपको लेना पड़ता है, होस्टिंग होती है वो भी लेनी पड़ती है, लेकिन फिर मालूम पड़ा फ्री में भी कर सकते हैं अगर तुम्हारे पास होस्टिंग के लिए पैसा नहीं है ब्लॉगर से, तो फ्री ब्लॉगर पर भी तुम्हारा अपना डोमेन होस्ट कर सकते हो। वैसे कहीं कोर्स नहीं किया है, लेकिन यूट्यूब के सारे जितनी कोडिंग के बारे में नाम पता था, तो पता था वेबसाइट होती है, वेबसाइट से पैसा बनता है। मतलब यार आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया आपने, तो पैसा बना ब्लॉगिंग से। तो पहला पेमेंट हमारा 6 महीने में आया था, अप्रूवल होने के 6 महीने लगभग, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 1.5 साल बाद आपने पहला पेमेंट कितने का था? वो था $112 का, लगभग $112। और अभी तक आपने कितना का, मतलब ये जो 1.5 साल के बाद, मतलब कि 2022 में पहला पेमेंट आया? हाँ 2022 में, 2022 में पहला पेमेंट आया, 2022 में पहला। और तो अभी तक, अभी 2024 चल रहा है, अभी तक कितना पैसा आपने बना लिया होगा ब्लॉगिंग से, गूगल एडसेंस से? सिर्फ गूगल एडसेंस से, अगर उस सर्विसेज छोड़ दीजिए लाइक एडसेंस अप्रूवल वगैरह छोड़ के, मैं खाली पूछ रहा हूँ गूगल एडसेंस से कितना पैसा कमाया आपने टोटल सभी एडसेंस का मिला के, क्योंकि मल्टीपल एडसेंस आपके, मल्टीपल एडसेंस अकाउंट, कितने अकाउंट है एडसेंस? 5-6 एडसेंस अकाउंट है जो अभी मेरे पास है ऑलरेडी। कुछ एडसेंस अकाउंट ऐसे थे जो हमारे टीम मेंबर है उनकी, क्योंकि एक के नाम से एक ही अकाउंट बनता है, तो कुछ एडसेंस अकाउंट मैंने बाय भी किए हैं, मान लो कुछ अकाउंट मेरे घर के फैमिली के नाम से भी है। तो ये आप 5-6 एडसेंस जो अभी आपके पास जिसका एक्सेस है, तो टोटल मिला के कितना बन रहा है? लगभग $17,000 होगा, $17,000-18,000, मतलब 1.5 सालों में आपने इतना बनाया, बढ़िया यार। और $17,000-18,000 मतलब 15 लाख के आसपास, 15 लाख। अब जनता भी वेट कर रही है कि भाई आप थोड़ा सा दिखाएं अपना डैशबोर्ड एडसेंस का, अगर आप कंफर्टेबल है तो थोड़ा इन्हें भी मोटिवेशन आए कि भाई मुरैना जिला से निकलकर भाई इतना स्ट्रगल किए, उसके बाद ब्लॉगिंग से इनका सब कुछ बदल गया, तख्ता पलट गया, तो लाओ भाई इनका लैपटॉप थोड़ा सा बढ़ा दो। तो दोस्तों अब खुलासा होने जा रहा है, राजेंद्र राठौड़ भाई अपना इनकम दिखाएंगे, और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा 15-16 लाख भाई ने कमाए हैं, उतना ही हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखा रहे हैं। तो जो भी भाई ने कमाया लाइक इन्होंने बताया 17-18 हज़ार, तभी हम आपके सामने देखेंगे कैलकुलेट करके कि इतना इन्होंने कमाया है कि नहीं। और थैंक यू करना चाहूंगा कि राजेंद्र भाई इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप दिखा रहे हैं, और इन्होंने खुद बोला कि ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियो, लाइक हो जाए इस खुलासे पर, सभी वीडियो में जो है वो दिखाया जाएगा। ओके सो यहाँ पर ये, अच्छा ये कोई और, मतलब अलग अलग अकाउंट्स हैं? हाँ अलग अलग अकाउंट, ठीक है, तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, सारे अकाउंट्स रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाऊंगा गाइस कि कितना हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने 27 दिसंबर से लेके 13 मई तक का दिखा रहे हैं, 13 मई है, तो इसमें हुआ है कितना, $881। रुके मैं कैलकुलेट करते भी जाता हूँ, और एडिटर साहब भी कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे, $881 एक अकाउंट से है भाई, है ना? टोटल अगर लास्ट 3 ईयर का करेंगे तो पूरा टोटल आ जाएगा, लास्ट 3 ईयर का है, कौन से एडसेंस लास्ट, मतलब ये तो टोटल ही है ना? हाँ टोटल ही है, ठीक है। ये है दूसरा अकाउंट, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर ले रहा हूँ,
यहाँ पे ये अकाउंट बना है 26 फरवरी 2022 में। ओके, इसमें कितना बना है? 3,259। ठीक है, दो अकाउंट हमने ऐड कर लिए। यहाँ पर एक तीसरा अकाउंट है इनका, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। क्या बात है भाई, आपको तो एडसेंस माफिया बोलना चाहिए। नहीं ऐसा तो अप्रूवल क्या मिलता रहे तो 1663। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक और अकाउंट में, इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं। टोटल आपके 5 अकाउंट यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। हाँ है ना, अभी करंट मेरे पास 5 एडसेंस हैं। सब 2022 के ही आसपास में आपने चीजें शुरू करी है? मल्टीपल एडसेंस बना लिए, वेबसाइट बनाई थी, मल्टीपल एडसेंस भी बना लिए थे। ये है 4862, लेकिन मैक्सिमम एडसेंस में जो अर्निंग है ना 2023-24 का होगा। अब आते हैं दूसरे वाले पे। अच्छा, ये जो मेन अकाउंट अभी जो आपका चल रहा है, अभी चल रहा है वो। ओके, अभी आज की इनकम हुई $18, कल भी हुई था $18, अभी ये डाउन चल रहा है लग रहा है। वो डाउन इसलिए चल रहा है क्योंकि ये मैन डोमेन डिलीट हो गया था। अच्छा, वेबसाइट डिलीट हो गई थी वो ट्रांसफर करने के चक्कर में, वही टीम के वजह से। अच्छा, जो आप बता रहे थे कि उन्होंने पासवर्ड वगैरह चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पेमेंट आपकी $2217 है। हाँ, जो हाईएस्ट पेमेंट थी आपने बताया, ये मार्च का है और अप्रैल में $450 बना है। अप्रैल में वेबसाइट डिलीट होने के कारण कम बनाता है, कम बना था। ओके, और इसमें आप धीरे धीरे भी रिकवर कर रहे हैं। और अगर इनका डेली का ट्रैफिक देखे गाइस, अभी ये आज का ट्रैफिक 20,000 है, 20,000 नॉट बैड। पहले कितना आता था भाई ट्रैफिक? 40-50 हज़ार। ओके, 27,000 है, मतलब ट्रैफिक रिकवर ऑलमोस्ट हो ही गया है। ठीक है, और RPM पहले ज़्यादा आता होगा, पहले ज़्यादा। तो एक बार हम यहाँ पर फिर से रिपोर्ट में जाते हैं, भाई ने भी होम पेज खोल कर रखा था, तो यहाँ पे हम आपको रिपोर्ट में लेके चलते हैं और कस्टम में जाते हैं और लास्ट 3 इयर्स का। देखो, एडसेंस में हम सिर्फ लास्ट 3 इयर्स का ही देख सकते हैं मैक्सिमम, 3 साल पुराना नहीं देख सकते। तो इसमें 13 मई 2021 से अकाउंट इनका चल रहा है, और इनफैक्ट उससे पहले का चल रहा होगा लेकिन पहले का डेटा नहीं है। यहाँ पे इनकम जो इनका शुरू हुआ है दिसंबर में शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नवंबर दिसंबर में शुरू हुआ है। ठीक है, ये एडसेंस मेरा यूट्यूब वाला एडसेंस था। हाँ, तो ये ब्लॉगिंग पे दिसंबर से लगा है ये। ओके, तो इसमें है $7,830 ये दिसंबर से अभी तक का। ओके, अभी टोटल इनकम हो रहा है इनका $18,495। अगर 18,500 हम पकड़ लेते हैं तो, अगर आज के टाइम में जो यूएसडी रेट चल रहा है 82-83 के आसपास चल रहा है, फिर भी हम अगर इसको 80 पकड़ के चलते हैं, 18 ऑन एन एवरेज पकड़ के चलते हैं, क्योंकि 2 साल पहले थोड़ा रेट कम होगा डॉलर का, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 80 का, तो अभी तक इन्होंने भाई साहब ने 14,79,600 रुपये, मतलब मोटा मोटी 15 लाख रुपये तक कमाए हैं ब्लॉगिंग से लास्ट 1.5 साल में।